Do subscribe to Ikeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. So, अब हम देखते हैं next type. That is हमारी type number होगा 11. So, integral of the form integral px plus q dx upon ax square plus bx plus c and dusra type hai integral px plus q dx upon square root of ax square. Dusra type dekhte hai integral px plus q dx upon square root of ax square plus bx plus c. तो ये दोनों टाइप में हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन या पुट न्यूमरेटर दैट इज पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी. तो यहाँ पर ए एंड बी रिप्रेजेंट आर्बिट्री कांस्टेंट की जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज टू टाइप्स. सो सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम, इंटीग्रल 3x प्लस 2 ब्रैकेट कंप्लीट dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. तो ये पूरा पार्ट कहाँ होना चाहिए, रूट में. सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. पहला नोमरेटर क्या है हमारा, थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस बी की जो हमारा क्या है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. सो देयर फोर थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू ए ब्रैकेट, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आया फोर एक्स प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव आया टू एंड वन कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो प्लस बी. तो इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन वन से. देयरफॉर थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हम ब्रैकेट ओपन करते हैं यानी ए ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू फोर एक्स. तो हमें आंसर मिल गया फोर ए एक्स प्लस टू ए प्लस रिमेनिंग टर्म क्या रह गया बी. उसके बाद हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स. We get, अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्जर्व किया तो यहां पर एक x का कोएफिशिएंट है 4a
और लेफ्ट में x का कोएफिशिएंट है 3, तो इसका मतलब है हमें मिल गया 4a इक्वल टू 3। सो सॉल्व करके a इक्वल टू 3/4। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट कंपेयर करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। टू ए प्लस बी इक्वल टू 2। इसमें हम क्या करते हैं, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2 ब्रैकेट a को रिप्लेस किया 3/4 प्लस बी इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, 2 1 2 2 2, सो देयर फोर 3/2 प्लस बी इक्वल टू 2। सो फाइनली हमें मिला b इक्वल टू 2 - 3/2, देयर फोर b इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 - 3/2। सो b इक्वल टू हमें मिला आंसर 1/2। सो इसी तरह हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट की। हमें दोनों वैल्यू हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन 1 में। सो पुट a इक्वल टू 3/4 एंड b इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 फिर से रीराइट करते हैं। इक्वेशन 1 था हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a ब्रैकेट 4x प्लस 2 प्लस b। तो इसमें हम a एज वेल एज b की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू, a को रिप्लेस किया 3/4 ब्रैकेट 4x प्लस 2 प्लस b को रिप्लेस किया 1/2। सो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट किसके लिए, न्यूमरेटर के लिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन को फिर से रीराइट करते हैं। I फॉर इंटीग्रल, क्वेश्चन था हमारा 3x प्लस 2 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब न्यूमरेटर के लिए हमने क्या प्रूफ किया था, तो 3/4 ब्रैकेट 4x प्लस 2 प्लस 1/2 दैट टोटली डिवाइड बाय रूट 2x² + 2x + 1। और विथ रेस्पेक्ट टू x है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, dx। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, हम दो इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं। सो इज इक्वल टू इंटीग्रल 3/4 ब्रैकेट 4x + 2 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x² + 2x + 1। ये हो गया एक पार्ट, प्लस 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x² + 2x + 1।
अब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे 3/4 कांस्टेंट टर्म है, उसे इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। दूसरी बात, रूट में जो पार्ट है 2x² + 2x + 1, इसे अगर हम टी पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव 4x + 2 नोमरेटर में प्रेजेंट है। तो 3/4 को आउटसाइड लिया इंटीग्रल, 4x + 2 dx अपॉन √2x² + 2x + 1 प्लस यहाँ से 1/2 dx अपॉन √। अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 में हम कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा x² + x + 1/2। अब फर्स्ट पार्ट है कि जो डायरेक्टली फॉर्मूला है, अभी फर्स्ट पार्ट है वो डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला को मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, इंटीग्रल फंक्शन कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में √f(x), उसका डेरिवेटिव अगर नोमरेटर में प्रेजेंट है f'(x) dx, तो इसका आंसर आता है 2 × √f(x + c). इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन कंपलसरी रूट में होना चाहिए और वो भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव f'(x) नोमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसका डायरेक्टली आंसर आएगा 2√f(x) + c। तो सिमिलरली हमारे प्रॉब्लम में क्या है, √2x² + 2x + 1 ये हमारा हो गया फंक्शन, उसका डेरिवेटिव 4x + 2 नोमरेटर में प्रेजेंट है, तो उसका आंसर डायरेक्टली आएगा इज इक्वल टू 3/4 × √2x² + 2x + 1, उसके आगे प्लस 1/2। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, हम √2 को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, तो टोटल टर्म हो जाएगा 1/2√2 इंटीग्रल dx अपॉन √x² + x + 1/2, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉसिबली कैंसलेशन हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल टू 3/2 × √2x² + 2x + 1। ये फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया, प्लस 1/2√2 इंटीग्रल √dx / √x² + x + 1/2। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी हैव टू सॉल्व द सेकेंड इंटीग्रल पार्ट। अभी उसमें कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट टर्म प्रॉपर चाहिए, तो सबसे पहला हम लास्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड LT। LT इक्वल टू फॉर्मूला था 1/2 × x का कोएफिशिएंट। अब यहाँ ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 √2। तो 1 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा, उसका स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा 1/4। तो ये टर्म हम ऐड करेंगे, एट द सेम टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इज इक्वल टू 3/2 ×
square root of 2x square plus 2x plus 1 plus 1 upon 2 root 2 integral dx upon square root of x square, ये हो गया first term plus x second term. उसके बाद हम third position पे क्या करते हैं, lt को plus करते हैं. So plus 1/4, यहाँ पर हम bracket complete करेंगे. उसके बाद original term था हमारे पास plus 1/2 and then minus lt, तो minus 1/4. अब हम बाजू में 1/2 माइनस 1/4 के लिए कैलकुलेशन करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 2 अपॉन 4 टू ज़ा 8, तो 4 माइनस 2 हो गया 2/8. कैंसलेशन किया तो 2 वन ज़ा 2 फोर ज़ा, तो सॉल्व करके हमें आंसर आ रहा है 1/4. So is equal to 3/2 into square root of 2x square plus 2x plus 1 plus 1 upon 2 root 2 integral dx upon square root of. अब पहला जो ब्रैकेट है वो कंप्लीट स्क्वायर है किसका, तो x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, और रिमेनिंग जो दो टर्म है प्लस 1/2 माइनस 1/4, उनका सॉल्व करके आंसर आ रहा है प्लस 1/4. सो इज इक्वल टू 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x square plus 2x plus 1 plus 1 upon 2 root 2 integral dx upon square root of, अब ये हो गया x plus 1/2 the whole square plus, अब second term जो हमें मिला है वो है plus 1/4 की जो complete square है किसका, 1/2 the ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो फॉर्मूला मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, इंटीग्रल 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सेम रूट, that is x square plus a square plus c. So on same line our answer kya hona chahiye, 3/2 into square root of 2x square plus 2x plus 1 a part as it is plus 1 upon 2 root 2 same. Hum formula kise apply karenge, second part ko. तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हमें क्या आंसर आना चाहिए, लॉग मॉडुलस एक्स, एक्स तो हमारे पास क्या है एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सेम रूट, सेम रूट यानी एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, उसके बाद मॉड कंप्लीट एंड फाइनली प्लस सी. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम. लेट अस सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम टू क्लियर बोथ द आइडिया.